वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएस नर्सिंग ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2019, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। सो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो पेट की गैस्ट्रिक कोशिकाएं होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और आंतरिक कारक स्राव करती है, ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया, बट ये पूछ रहा है कि कौन सी सेल करती है। सेल ऑफ द स्टोमक गैस्ट्रिक विच सिग्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंसेटिक फैक्टर। सो सिंपल, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपने पढ़ा होगा, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये लिया गया है आपकी NCERT 11th की बुक से, बायोलॉजी की बुक से, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पैराइटल सेल, ठीक है, पैराइटल सेल है। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये मैंने 2018 में करवाया था प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया देखो 2019 में, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अगर किसी को हिंदी में समझ नहीं आता जी कि पार्श्व कोशिका क्या होती है, तो आपको इंग्लिश में भी दिया जाएगा, वहाँ पर इंग्लिश का सहारा आप ले सकते हो, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है आपका कि क्लोराइड शिफ्ट के दौरान RBC की विद्युत तटस्थता को कौन बनाए रखता है। ड्रिंग क्लोराइड शिफ्ट द इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिकल होता है नेचुरली, ऑफ RBC मेंटेन कौन रखता है। सिंपल, प्लाज्मा में इरिथ्रोसाइट को सेल का प्रचार, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा राइट, फर्स्ट ऑप्शन। चलते आगे, बेसिक ज़्यादा हार्ड नहीं है। इओसिनोफिल क्या है, 2 से 7 लोब होते हैं, इसमें संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, या फिर एलर्जी के प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण है, या फिर विसरण में भूमिका निभाता है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा इओसिनोफिल के बारे में, अगर आपने ब्लड पढ़ा होगा तो आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो बताइए क्या है इओसिनोफिल। सिंपल, ई फॉर इओसिनोफिल और ई फॉर एलर्जी, ठीक है, दोनों ई से स्टार्ट है, तो एलर्जी, ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए मैंने आपसे बोला था। अभी यहाँ तो आपको पूरा चैप्टर याद रखना पड़ेगा ब्लड वाला, मैंने पढ़ा भी रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि प्लाज्मा होता है, सेल्स होती है, ये कितना परसेंट होता है ना, ये कितना परसेंट हो जाए, इसमें कौन कौन से सेल्स आते हैं, कणिका में सब कुछ बताया हुआ है, देख लेना आप, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये भी 11th से लिया गया है, ठीक है, NCERT बायोलॉजी 11th बुक। तो ये देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, NCERT से ही तो आ रहा है, ठीक है। चलते आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला, कि हेनले लूप किसके अवशोषण के लिए होता है। हेनले लूप इज मेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके लिए होता है, आपने देखा होगा हेनले लूप, पूरा डायग्राम आपको याद रखना है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, पूरा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ नेफ्रॉन का, ठीक है, कुछ ऐसा ड्रॉप डायग्राम, इसमें अपन यहाँ पर होता है, ये होता है हमारी ग्लोमेरुलस, जिसको कोशिका गुच्छ बोलते हैं, बहुत सारा जाल कोशिकाओं का, ठीक है, जिसमें ब्लड फिल्टर होता है, और ये जो कप नुमा स्ट्रक्चर है बोमन कैप्सूल इसको बोलते हैं। अब यहाँ से इसमें ये आती है आर्ट्रियल्स, ठीक है, फ्रंट आर्ट्रियल्स और इफ्रंट आर्ट्रियल, बट यहाँ पर दिमाग लगाने वाला ये हेनले लूप होता है, ठीक है, हेनले लूप ये होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला यू शेप इस प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पर ये होती है असेंडिंग और ये होती है डिसेंडिंग, तो कहाँ पर किसका ऑब्जर्वेशन होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है बस, कहाँ पर किसका ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ब्लड आया था, ब्लड में तो सब थे, वहाँ पर ग्लूकोज भी था, विटामिन भी थे, यूरिन भी था, हार्मोन भी थे, सब चीज़ें थी, बट यहाँ पर फिल्टर होते ही ओनली ब्लड इधर निकल गया, इधर आर्टरी में, और इधर क्या फिल्टर हो गया, हमारा वाटर हो गया, हार्मोन हो गया, विटामिन हो गया, यूरिन हो गया, यानी कि काम की चीज़ें भी इधर फिल्टर हो गई, ठीक है। अभी काम की चीज़ों को तो फिल्टर हो गई, तो ऐसा तो नहीं कि हम पेशाब के थ्रू इनको निकाल देंगे, हार्मोन्स को, विटामिन्स को, हमारे जो साल्ट है ना, एमिनो एसिड है, इनको थोड़ी निकालेंगे, इनको तो वापस क्या हो, रीऑब्जर्वेशन होना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ पर किसका रीऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ तो आपको पता रखना है, यहाँ होता है ग्लूकोज का, इस साइड में,
ठीक है, इस वाली जो है नीचे वाली ना इसमें, और यहाँ पर होता है विटामिन्स का, होता है हमारे काम काम की चीज़ें, ठीक है। और इधर किसका होता है, डिसेंडिंग में होता है हमारे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, और जल का होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हेनले लूप किसके अवशोषण के लिए होता है, बताइए अब आप सो समझ गए। अब इस पर फोकस करना है ओनली आपको, हेनले लूप में, ठीक है। तो यहाँ पर किसका होता है, आयन्स का, यानी कि आयन्स इसका भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आयन्स यानी कि सोडियम आयन, सिंपल। तो सोडियम आयन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रकार के समझ के आपको आंसर देना है, ठीक है। ये लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलते आगे, मनुष्य में रोमक स्तंभ उपकला कोशिकाएं उत्पन्न होने के लिए जानी जाती है, द सिलिटेट क्लोम्बर इपिथिलियम सेल ह्यूमन आर क्नोर, बताइए। सब जानते हैं कहाँ पर कौन सी उपकला पाई जाती है, टिश्यू वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, ये भी इलेवंथ का, ये मैं आपको बता दूँ। देखो इलेवंथ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ज़्यादातर जो आएंगे ट्वेल्थ से आएंगे, बट ये इलेवंथ वाला क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा अवश्य बायोलॉजी में। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सिंपल, फ्लोविन ट्यूब। क्यों होगा फ्लोविन ट्यूब, आपने देखा होगा आपकी जो फ्लोविन ट्यूब होती है कुछ इस प्रकार की, जैसे ये है ओवरीज है, ठीक है। अब यहाँ से निकल रहे हो, ये केपक है, अब यहाँ से कुछ इस प्रकार की हो जाती है, तो जैसे इसमें वो एग आता है, ठीक है, क्या आता है, एग। जैसे इसमें एग आता है तो क्या होता है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है बहुत सारी, जो एग को आगे मूविंग कराती है इधर की ओर, ऐसे थ्री डाय इसे आगे की ओर भेजती है ताकि यूट्रस में चला जाए, ठीक है, कौन, एग। तो ये कहाँ पर पाई जाएगी, यहाँ पर ही पाई जाएगी, तो फ्लोविन ट्यूब हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये देख सकते हो, इनके अलावा ब्रिंकल्स जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर पाई जाती है, और ये टिश्यू वाले चैप्टर में ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आराम करने वाले न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर में प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता है, सिंपल, वेरी सिंपल। कब होती है ऐसी कंडीशन, जब सोडियम की तुलना में पोटेशियम के लिए अधिक होता है, यानी कि ग्रेटर देन फॉर पोटेशियम देन सोडियम, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, बताइए। एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, रोगाणु प्रत्यय, ट्रोम्बोप्लास्ट एक रोगाणु प्रत्यय, आंतरिक कोशिका द्रव्यमान, सिंपल, ये जो है ट्वेल्थ से लिया गया है, एनसीईआरटी ट्वेल्थ बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रोम्बोप्लास्ट एक रोगाणु मुक्त प्रत्यय, वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा एनसीईआरटी ट्वेल्थ बायो में, ठीक है, वहाँ के अकॉर्डिंग ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलते आगे, शुक्राणु निर्माण का सही क्रम बता दो, मैंने आपसे बोला भी था आपको याद रखना है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, तो जिसको तो पता होगा तो सिंपल इसको कर देगा। देखो स्टूडेंट, जो शुक्राणु का निर्माण होता है ना, वो तो स्टार्ट तो स्पर्मेटोगोनिया से ही होगा, ये तो श्योर है। और चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए, पहले आप बताओ कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा, अपने माइंड में थॉट बनाओ, पहले बना लिया होगा, स्पर्मेटोगोनिया से तो स्टार्ट हो गया तो श्योर है, ठीक है। और ये जो ख़त्म कहाँ पर होगा, सभी को बताया कि शुक्राणु पे ख़त्म होगा, क्योंकि हम क्या जानना चाहते हैं कि शुक्राणु कैसे बनते हैं, शुक्राणु पर ख़त्म होगा, बट यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, वहाँ पर शुक्राणु पर कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है, देख लो। तो उससे एक स्टेप पीछे जाएंगे तो स्पर्मेटोजोवा, एक शुक्राणु से एक स्टेप पीछे स्पर्मेटोजोवा, क्लियर। और चीज़ समझ देता हूँ भाई, स्टार्टिंग तो हमको करनी है स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है, गोनिया से, और ख़त्म करना है शुक्राणु पे, बट यहाँ पर शुक्राणु ऑप्शन नहीं है, तो एक स्टेप पीछे शुक्राणु वाली क्या आते हैं, स्पर्मेटोजोवा, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोवा कहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग तो कहाँ से हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया से, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा हो, स्पर्मेटोजोवा से, देख लो। तो ये रहा चौथे में, देखो ये रहा स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट है और यहाँ पर ख़त्म है, और इनके बीच का जो स्टेप है वो ये है स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड, सिंपल। तो राइट ऑप्शन फोर हो जाएगा, इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलते आगे,
ये क्वेश्चन आ गया, मैंने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पर पढ़ाया था आपको एमसी, अच्छे से समझाया था कि क्यों होता है कैसे होता है। जिसने अगर पढ़ा भी होगा तो इजीली कर सकता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा आपको रिकमेंड करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, ये चैप्टर देख लेना आप। क्वेश्चन बनता है, बनता है और बन भी गया। यहाँ से देखो, मानसिक द्रव का प्रवाह किसके कारण होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्रिंक। तो सिंपल, किसके कारण होता है, कौन सा हार्मोन के कारण होता है, मैंने बताया था कौन सा हार्मोन की कमी हो जाती है जब कार्पस लूटियम कार्बस एल्बिकेंस में बदलता है तो। ठीक है, तो सिंपल, क्योंकि कार्पस लूटियम किसका सिग्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, और ये जब कार्बस एल्बिकेंस में बदल जाता है, और कब बदलता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो फिर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का यहाँ तो ये खतरनाक सिग्रेशन कर रहा था जम के, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कुछ ये इसमें चेंज हो गया कार्बस एल्बिकेंस सफ़ेद लाइक स्ट्रक्चर में, वाइट स्ट्रक्चर में, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिग्रेशन तो बंद हो गया क्योंकि ये नष्ट हो गया। ठीक है, और उधर जो एंडोमेट्रियम लेयर थी यूट्रस की, वो ब्रेकडाउन होके वेजाइना के थ्रू ब्लड के थ्रू बाहर निकलने लग गई। तो सिंपल, कमी किसकी हुई, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, तो राइट ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, सिंपल। ठीक है, और वो जो डायग्राम मैंने अच्छे से आपको समझाया था, ऐसे ग्राफ थी उसमें, ठीक है, वो आपको अच्छे से देख लेना, कुछ नहीं आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, उसको देख लेना वीडियो को, चलते आगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्लेसेंटा है उसका कार्य नहीं है, यानी कि आपको पता हुआ होना चाहिए कि प्लेसेंटा का वर्क क्या है, और मैंने वहाँ पर बताया भी था कि इसका क्या काम होता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है पहले तो ये समझो। देखिए, जो इसे स्ट्रक्चर होती है इसकी, पहले तो गोल वाला पार्ट होता है बहुत सारा, और इससे निकलते रहते हैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर, इस प्रकार की लंबी होती है, 1 मीटर लंबी। तो ये जो पार्ट है ना, ये होता है प्लेसेंटा, बहुत सारे इसको समझ लेते हैं लंबी स्ट्रक्चर, वो नहीं होती, ये गोल पार्ट, ये होता है, ये इस पार्ट को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। और अब आप सोच रहे होंगे ये लंबी स्ट्रक्चर क्या है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो इसका काम होता है, इस वाले का क्या काम होता है, अब ये मदर के यूट्रस में अटैच में होती है, और ये बच्चे के इधर बच्चा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इधर बच्चा, तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि भ्रूण को ऑक्सीजन देना, सिंपल, ये भी होता है एस्ट्रोजन का सिग्रेशन, बिल्कुल, भ्रूण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को निपटाने तो करेगी, सिंपल, ये भी। तो ये तीनों जो है, ये तो मेरे को देखो अपरा के यानी कि प्लेसेंटा के वर्क लग रहे हैं, बट ये चौथा है ना विभाजन के दौरान ऑक्सीटोसिन, ये नहीं है, तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि कार्य नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। ठीक है, कारण हमने जान लिया, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, एक लिंकेज समूह से दूसरे में जीन की गति को कहा जाता है, द मूवमेंट ऑफ द जीन फ्रॉम द लिंकेज ग्रुप अनदर से कॉल्ड, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। मैंने आपसे बोला था कि पढ़ लेना उस चीज़ को, म्यूटेशन को पढ़ लेना, वो माइटोसिस मियोसिस से भी क्वेश्चन बनते बनते। ठीक है, एलएल से डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी तो आप इजीली कर सकते हो कि एलएल्स क्या होते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तभी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, हेटरोजाइगोट, क्योंकि ये उसके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर है। चलते आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचआईवी जो एड्स का कारण है, सबसे पहले किसको नष्ट करता है। अब बहुत सारे तो कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन आपको बताना है, बताओ, लिख लो पहले, क्योंकि इसका आंसर मैं बताऊंगा तो बहुत सारों का दिमाग हिल जाएगा, लिख लिया होगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को सबसे पहले नष्ट करता है, गांठ मान लेना इसको, एचआईवी जो एड्स का कारण बनता है वो सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, तो करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, याद रह जाएगा, टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा टी लिम्फोसाइट याद रखना है। ठीक है, क्लियर। अभी आप देखोगे सर यहाँ तो ए दिया हुआ है, तो ये जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, ये मिस प्रिंट है, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, हेल्पर टी।
अब आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है कि हेल्पर टी क्यों होगा, तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर स्पेशल वीडियो में बना दूंगा क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर 5 मिनट की बेस करनी होगी तब जाके आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो फिलहाल याद तो रख सकते हो कि टी होगा, ठीक। तो चलते, कमेंट कर देना अगर आपको जानना है तो। ऑप्शन सी होगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं जोड़ी पसलियाँ जिनमें से सीधे और सिंपल, ये जो उरस्थी होती है ये वाली स्टर्नम, इससे सीधी 12 जोड़ी पसलियाँ हैं जिनमें से सीधे उरस्थी से जुड़ी होती है, 12 होती है टोटल रिब्स, तो इसमें से कितनी उरस्थी से जुड़ी होती है रेयर में। तो सिंपल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आप 11th का जो NCERT का चैप्टर है स्केलेटल वाला, वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है, तो बता दो ना 7, ठीक है। 7 ही तो जुड़ी होती है, बाकी सब कोई किसी के थ्रू, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, मुलायम चीज़ होती है ना, जैसे हमारा एयर हो गया, नोज हो गया, है ना, उसको क्या बोलते हैं, जैसे हमारे छल्ले बने हुए हैं, एक तो होता है हमारी हड्डी जो कि बहुत ही हार्ड होती है ना, और एक होता है इससे मुलायम चीज़ें होती है, जैसे कि आप मान सकते हो हमारे एयर के हो गए, नोज के हो गए, कुछ इस प्रकार के। सो सिंपल, आप उसको उपास्थि बोल सकते हो, जैसे कि हमारा नोज है ना उपास्थि, तो उस प्रकार की चीज़ों से जुड़ी होती है, और बेसिकली बहुत सारे बहुत कम आभा से अटैच होती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक अंडे की जर्दी का मात्रा वितरण के अनुसार सिंपल किस प्रकार से होता है, इसका आंसर होगा मीजोलिथिक और टीलोलिथिक। आपको अंडे की स्ट्रक्चर यानी कि एग्स में किस प्रकार डिवाइडेड होता है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलते आगे, संतुलन से संबंधित संवेदक अंग के सेंस ऑर्गन कंसंट्रेट द विथ इक्वल आर, बताइए। चार ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन ये होता है इंटरनल ईयर, ये तो सबको पता है, ठीक है। आंतरिक कान और ईयर का पक्षण आपको पता होना चाहिए, सुनना ही नहीं है, जबकि बॉडी का बैलेंस भी बनाना है ईयर का काम, ठीक है। बहुत सारे सोचते होंगे कि हमारा जो कान है ना, इसका वर्क केवल सुनना है, नहीं, सुनना तो है ही सही, इसके अलावा हमारी बॉडी का बैलेंस भी बनाना है, ठीक है। चलते आगे, उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेजी से गिरावट, सिंपल जनसंख्या क्रेस, ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे, अब इसको बहुत सीरियसली लेना है कि मधुमक्खियों के बीच श्रमिक है अमंग दहनी बीज वर्कर कौन है, नर मादा, नर और मादा दोनों, या फिर उभयलिंगी, बताइए। मधुमक्खियों के बीच श्रमिक कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर, ठीक है। श्रमिक ये होते हैं, हार्ड वर्क यही करेंगे, मादा तो नहीं करेगी, ठीक है, तो क्योंकि मेल ही करेंगे, आपको पता है कि इसमें थोड़ा वर्क करने की क्षमता होती है, तो इसका राइट ऑप्शन मेल ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट है, इसका पार्ट सेकंड जल्दी आपको मिल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा तो, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बीएस नर्सिंग में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बीएस नर्सिंग क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब आपको क्या चीज़ हार्ड लगी इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी ईजी है, सब कुछ आसान है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोनों लैंग्वेज का यूज किया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। और अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, लूप अच्छे से समझा दिया, HIV एड्स में कौन सा वो आता है, किसको डिस्ट्रॉय करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो कौन से रिब्स कहाँ पर अटैच होती है, कितनी हड्डियाँ होती है हमारे बॉडी में, कौन कौन सी हमारे हेड में कितनी होती है, पैस में कितनी होती है, हमारे हथेलियों में कितनी होती है, सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, बेसिक नॉलेज है। स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस मैंने आपसे बोला था, और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या दिक्कत है, कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे और भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अदर MCQs भी देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, ठीक है। तो ये हमने पार्ट फर्स्ट यहाँ पर कर लिया, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट टू रहेगा, ठीक है। इसमें भी कर लेते बट ये लंबा हो जाता फिर, तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा, वीडियो के थ्रू मिलेगा, बट बहुत सारे सोचते होंगे कि लिख के नहीं, वीडियो के थ्रू आपको आपके कमेंटों के जवाब मिलेंगे, ठीक है। तो कीजिए कमेंट और वीडियो के थ्रू उसका सोल्यूशन निकालेंगे।